नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित माथुर, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मंगलम हॉस्पिटल और प्रोफेसर इन हेड निम्स मेडिकल कॉलेज। आज एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो अपन देखते हैं, वो है गॉलस्टोन डिजीज़, यानी कि पित्त की थैली के अंदर पथरी। और ये प्रॉब्लम वैसे तो दोनों सेक्सेस में मिलती है, पर फीमेल्स में, महिलाओं में ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और यूजली ये एज ग्रुप होता है 30 से 50 साल के बीच में, जब ये इसकी तकलीफ़ होती है। पर काफ़ी बार हमारे को यंग एज ग्रुप में भी और ओल्ड एज ग्रुप में भी ये तकलीफ़ मिलती है। अब ये दो तरीके से होता है, या तो ये होते हैं कि सिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि इनकी तकलीफ़ होती है इन पथरी की वजह से, या ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि ये सोनोग्राफी कराते हैं किसी और कारण से उनको पता चलता है कि इनकी पित्त की थैली के अंदर पथरी है। तो जो सिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि जिनके अंदर तकलीफ़ होती है इस पित्त की थैली की पथरी की वजह से, उनके ज़्यादातर तो तेज़ दर्द होते हैं। कहाँ होते हैं? बिल्कुल सेंटर में, ऊपर की तरफ में होते हैं दर्द, या ये राइट साइड के अंदर भी हो सकते हैं ऊपर की तरफ में, या ये लेफ़्ट साइड में भी हो सकते हैं। लेफ़्ट साइड में कम होते हैं, राइट साइड और सेंटर में ज़्यादा होते हैं। और बहुत तेज़ दर्द होते हैं, लगातार से दर्द होते हैं, और कुछ देर रहते हैं। लोग बाग कुछ दवाई ले लेते हैं या कोई इंजेक्शन लगा लेते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये गैस का दर्द है, फिर भूल जाते हैं, फिर दो तीन महीने में फिर दर्द होते हैं। ये बार बार इसके दर्द होते रहते हैं पेट में, और वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और पता चलता है फाइनली जाकर के कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। या ये बहुत बार ये पथरी जाकर के पित्त की थैली के जो रास्ता होता है कॉमन बाइल डक्ट, उसमें जाके अटक जाती है, और इसकी वजह से पीलिया हो जाता है। या नीचे आकर के इनके अंदर पैनक्रेटाइटिस होती है, जिसके अंदर की बहुत तेज़ दर्द होते हैं जो कि पीठ की तरफ पीछे जाते हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि गॉलस्टोन्स की हो जाती है। पहली बार इनके पास में यही तकलीफ़ के साथ आते हैं, तो या तो इनके दर्द होते हैं, या पीलिया होता है, या पैनक्रियाज में इनके तकलीफ़ होती है। तो इसलिए हमारे को जब भी कोई गॉलस्टोन में, गॉल ब्लैडर में स्टोन मिलता है, तो हम इनको काफ़ी सीरियसली लेते हैं। एक ग्रुप होता है जिसके अंदर की बिल्कुल पेशेंट्स के कोई तकलीफ़ नहीं होती है, और वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके आते हैं कि हमारे पित्त की थैली में पथरी है, हम इसका क्या करें। अब यूजुअली ये कहा गया है लिटरेचर में कि अगर आपकी पित्त की थैली के अंदर पथरी हो और कोई तकलीफ़ नहीं कर रही है, तो इसको सिर्फ फॉलोअप में रह सकते हैं, और इसको अभी कुछ इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। ना इनको निकालने की ज़रूरत है, ना कोई इनको फॉलो करने की ज़रूरत है, ना कोई डाइट में मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। पर अब ये कहा जाता है, क्योंकि इसके निकालने की प्रक्रिया लैप्रोस्कोपिकली इतनी सिंपल हो गई है, इसलिए ये कहा जाता है कि यंग पेशेंट्स में या मिडिल एज पेशेंट्स में अगर हमें इंसिडेंटली भी हमें पता चलती है कि भाई इसके पित्त की थैली में पथरी है, तो हम एक इनको एडवाइस देते हैं कि इलेक्टिवली इसको निकलवा लें, क्योंकि लैप्रोस्कोपी से बड़ी सिंपल सा प्रोसीजर होता है और बिल्कुल कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। दो तीन दिन में मरीज़ अपने घर पहुंच जाता है, और इसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि पेन, जॉन्डिस, पैनक्रेटाइटिस, ये सब चीज़ें से आदमी बच जाता है। पर अगर मान लो ये ओल्ड एज में, जैसे 60 प्लस के अंदर पहली बार पता चलती है और उसके कोई तकलीफ़ नहीं होती है, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप इसकी चिंता नहीं करें, और इसकी कोई कुछ चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप अपनी सामान्य ज़िंदगी जीते रहें। तो थोड़ा सा स्कूल ऑफ थॉट चेंज हुआ है कि यंग पेशेंट्स में, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, इनको अगर अपन सर्जिकली इंटरवीन करें, इनको निकलवा लें, तो ये अपने लिए बेटर है। हालांकि नुकसान हो या ना हो, ये अब अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये गॉल ब्लैडर के अंदर अगर आपके पथरी है तो, और ये सिम्टोमेटिक है, बार बार आपके दर्द हो रहे हैं, तो इसका प्लेन सिंपल इलाज है कोलिसिस्टेक्टमी, यानी कि पित्त की थैली, जो कि पित्त की थैली समेत निकला जाता है। बहुत बार ये मरीज़ कहते हैं कि भाई पथरी निकाल दो, पर पित्त की थैली को वहीं रहने दो, पर ये पित्त की थैली एक बार ख़राब हो चुकी है, और इसलिए इसको भी निकालना ज़रूरी होता है। तो ये पहले अपन ओपन कोलिसिस्टेक्टमी करते थे, आजकल बड़ा सिंपल प्रोसीजर हो गया है, दूरबीन से इसको लैप्रोस्कोपिकली निकाल दिया जाता है। तो ये लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी हो जाती है, जिससे कि 3 दिन का मुश्किल से स्टे होता है, उसके बाद में उसको कोई तकलीफ नहीं होती और सारी कॉम्प्लिकेशंस बच जाती। पर अगर ये जॉन्डिस के साथ आ गया है, यानी कि पीलिया हो गया, मतलब ये पथरी जो है पित्त की थैली से निकल के रास्ते में आ गई है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक इमरजेंसी होती है, क्योंकि हम इसमें एंडोस्कोपिकली बिना चीर फाड़ के दूरबीन से जाकर के इसको, नलकी को हम क्लियर करते हैं, स्टोन को निकाल देते हैं, और अगर बड़ा स्टोन होता है तो उसको क्रश कर देते हैं, जिससे कि ये निकल जावे। और इसको निकालने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उसकी जो गॉल ब्लैडर है वो भी निकलवा दें, क्योंकि ये फिर दूसरा कोई स्टोन नीचे कैसे आएगा, फिर कोई इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हम ERCP कहते हैं, जिससे कि हम नलकी के रास्ते को निकालते हैं, और दूसरा होता है लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, ये दोनों प्रोसीजर कराने पड़ते हैं। तीसरी कॉम्प्लिकेशन इनके पैनक्रेटाइटिस होती है।
और ये पैनकेटाइटिस जो है इसमें क्या है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, विद इन 72 आवर्स आ जाता है तो हम उसको क्लियरेंस कर देते हैं, नहीं तो उसको मेडिकली मैनेज करते हैं जब पेशेंट सेटल हो जाता है, तो ये दोनों प्रोसीजर यानी कि ERCP और लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कराते हैं जिससे कि इसके वापस पैनक्रियाज का अटैक नहीं हो। और हम ये हिदायत देते हैं कि विद इन अ मंथ ये सब चीज़ें करा लें, क्योंकि फिर वापस उसको अगर पित्त की थैली की पथरी की वजह से अटैक हो गया तो वापस एक सीरियस इंजरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लोगों की डेथ भी हो जाती है इस गॉलस्टोन पैनक्रियाटाइटिस से। तो ये एक साधारण बीमारी को असाधारण होने से रोकने से बेटर ये है कि जितनी जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट किया जाए। इसके बारे में आपको कोई और जानकारी लेनी है तो मेरे से आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप फेसबुक पे मेरी साइट पे जा करके। धन्यवाद।